हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जा फाइल्स ऑप्शंस पे जाकर फ़ोटो एंड वीडियोस को कैसे आप हाइड कर सकते हैं और कैसे आप फ़ोटो एंड वीडियोस को छिपा सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि फ़ोटो एंड वीडियोस को हाइड कैसे कर सकते हैं और कैसे आप छिपा सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके पास आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स भी ओपन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो इसमें से आपको जाना होगा फाइल आइकन्स पे। तो फाइल आइकन्स पे जाने के लिए फाइल्स पे क्लिक कर देना है। तो फाइल ऑप्शन से आपका ओपन हो जाएगा, जिसके जरिए फोटो एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं। आपको बस इमेज गैलरी पे जाना है और जब आप फोटोज़ को इस तरीके से हाइड कर देते हैं 3 डॉट पे जाकर, वो पासवर्ड डाल देना, आपकी फ़ोटोज़ से हाइड हो जाएंगी जो आपके फ़ोन में शो नहीं करेंगी। तो इस तरीके से फ़ोटोज़ को हाइड कर सकते हैं, छिपा भी सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। और आप चाहें तो देख सकते हैं कि आप वीडियो भी हाइड कर सकते हैं। सिंपली बस आपको सेलेक्ट करना है इस पर तरीके से और मूव टू सेव फोल्डर कर देना है। तो मूव टू सेव फोल्डर करते ही आपकी वीडियो भी हाइड हो जाएगी और आपके फ़ोन में छिप जाएगी। तो इस तरीके से फोटो एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। और आप चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ से भी आप सेटिंग्स पे जाकर बस पासवर्ड डाल देते हैं तो वहाँ पर आपके फ़ोन में शो हो जाएंगे, जहाँ से आप देख सकते हैं उनको वापस आप स्क्रीन पे भी शो कर सकते हैं। 3 डॉट पे जाकर मूव आउट करते हैं, तो मूव आउट करते ही आपके फ़ोन में वापस स्क्रीन पे शो हो जाएंगे और यहाँ से आप शो भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से फोटो एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं, आप शो भी कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो